Hi guys, so today is the fourth video on the real numbers and on the number systems as a whole, and today we will be discussing real numbers. We have already discussed natural number, whole number, integers, we have discussed rational numbers and we have discussed irrational numbers. But now together we will talk about, with all these numbers taken together, हम लोग बात करेंगे real numbers का. सो वॉट आर रियल नंबर्स? अगर आप बहुत क्लियरली देखो तो जितना भी नंबर्स हमने बात किया है, ऑल ऑफ देम टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स. बट इसको डिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव. जिस नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर. प्रैक्टिकली आप अगर देखोगे कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करते हैं, मान लो -2 का स्क्वायर कितना होगा? इट विल बी 4. -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25. राइट, सो -√2 इसका स्क्वायर कितना होगा? दैट इज ऑल्सो 2, बिकॉज माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव. सो जितने भी नंबर्स हैं, दैट इंक्लूड्स द नेचुरल नंबर्स, द होल नंबर्स, द इंटीजर्स, द रैशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स, अगर हम उसको एक मान लो ये रियल नंबर्स का यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट है. इसमें सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, जीरो को इंक्लूड करोगे तो सारे होल नंबर्स भी हैं, मैं नेगेटिव्स को इंक्लूड करोगे तो इंटीजर्स भी हैं, जो बीच के फ्रैक्शन और सारे बाकी लोगों को डेसिमल्स को ले लोगे तो फिर वो रैशनल नंबर्स हैं, जो लोग इरेशनल है उनको भी ले लो, सब को ले लोगे तो हमारा बनता है द होल यूनिवर्स ऑफ द रियल नंबर्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ रियल नंबर. अब इस पे हम लोग जाएंगे कि नंबर लाइन जो होता है, the number line which is that we were talking about, मैंने दो तीन बार lines number line को दिखाया है यहाँ पे, a line which is like this, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा, -1, -2, -3 ऐसा चलता रहेगा. so this number line is basically a real number line. हम लोग हमेशा नंबर लाइन बोलते थे, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट नंबर लाइन, बट दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द रियल नंबर लाइन. इसमें हर एक डॉट, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को डिपिक्ट करता है. हो सकता है कि वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है कि वो होल नंबर हो सकता है कि वो इंटीजर हो, मतलब नेगेटिव्स भी हो सकता है कि कोई फ्रैक्शन हो, कोई इरेशनल नंबर हो, बट एवरी नंबर, एवरी सिंगल पॉइंट इज अ नंबर लाइन. तो इसका एक बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मान लो कोई भी आप पॉइंट ले लो, ये और ये, इसके बीच में हाउ मेनी रियल नंबर्स कैन बी देयर? देयर कैन बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स को हम लोग आर से डिफाइन करते हैं भाई, रियल नंबर्स इन बिटवीन any two points, ठीक है, in the number line, ठीक है. so ये एक बहुत ही important point है. so एक कोई भी particular point एक unique real number है, और any two points के बीच में infinite number lines हो सकता है. ठीक है, अब इसके real numbers का general properties को हम लोग थोड़ा discuss करते हैं. यहाँ पे दो तरीके का प्रॉपर्टीज डिस्कस होता है, एक होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टीज, और एक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो एडिशन प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे मैंने बोला था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हो गया एसोसिएटिव, ये आप लोग समझ लोगे
तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि दिस इज ऑल दीज ऑपरेशंस आर पॉसिबल इन द रियल नंबर जोन, ठीक है। तो या कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको, ठीक, प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। एसोसिएशन लॉ या एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, देन वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं ये क्या क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी इज सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी को पहले ऐड करके अगर उससे सी ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा, बी प्लस सी को ऐड करके अगर मैं उसके साथ हम लोग ए ऐड करते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, अगर ए के साथ बी जोड़ा जाए या बी के साथ ए जोड़ा जाए, बात दोनों सेम होता है। व्हाट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब उसके साथ अगर आप जुड़ते हो तो चीज़ सेम ही रह जाता है। एक ऐसा आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर जो आप उस रियल नंबर के साथ अगर जोड़ते हो तो वो सेम रह जाता है। तो जीरो इज सच ए नंबर। सिमिलरली एक एडिटिव इनवर्स भी होगा। फॉर एवरी नंबर ए देयर इज अ कॉल्ड समथिंग विच इज अ माइनस ए, जिसको ऐड करने से जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस एडिशन प्रॉपर्टीज। सो दिस इज वन थिंग यू नीड टू नो। नाउ हम लोग इस जगह को थोड़ा साफ करते हैं क्योंकि हमको उसके लिए करना है मल्टीप्लीकेशन प्रोसेसेस, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो है उसमें भी हमारा सेम है, लॉज हमारे सारे सेम है। इसमें हमारे आते हैं वही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कि रियल नंबर, दो रियल नंबर के मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। एसोसिएटिव क्या होगा? ए बी के पहले मल्टीप्लाई करके अगर उससे सी मल्टीप्लाई करे जो रिजल्ट आएगा वही होगा, अगर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके उससे ए मल्टीप्लाई किया जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? वन, जिससे मल्टीप्लाई करने से वो नंबर सेम रह जाता है। इनवर्स क्या होगा? एक हर ए के लिए एक वन बाई ए होता है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वन आ जाता है, ठीक है। इसको छोड़ के एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मिलेगा इधर, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जब दोनों हो गया तो हमारे लिए एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा विच सेज दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, मतलब अगर हम बी प्लस सी को जोड़ के उससे ए मल्टीप्लाई करें, और अगर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर ले, ए और सी को मल्टीप्लाई कर ले और दोनों को जोड़ दे, तो दोनों हमारा सेम होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा हो गया। एक छोटा सा चीज़ आप याद रखना, इसको हम लोग सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट नोट की तरह याद रख सकते हो कि अगर हम रूट अंडर ए बी बोलेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है, और रूट अंडर ए बाई
बी अगर करेंगे तो दैट इज रूट ए बाय रूट बी। सो ये दोनों हम लोग बहुत स्टैंडर्ड एक मतलब रियल नंबर्स के केस में दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके सो ये आपको पूरा समझना होगा, याद करना होगा। सो मोर ऑर लेस यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम लोगों को थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो ही थिंग्स विल वर्क आउट फॉर अस वेल। तो मैं ये अपना बुक से रेफर करूँगा, एक सिंपली सा लेता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है, सो जस्ट ऑब्जर्व इट। इट सेज सिंप्लीफाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी दिस डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस रूट अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हम लोगों को करने बोला गया है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है। वेयर ए बी आर ऑल रियल नंबर्स, सो हाउ डू वी अप्रोच अ प्रॉब्लम लाइक दिस। ये रियल नंबर का प्रॉब्लम है, आपको रियल नंबर्स में ऐसे सिंप्लीफाई के लिए टर्म्स दिए जाएंगे, आपको अलग अलग किस्म के, इसको ए बी सी यूज करके भी दिया जा सकता है, मतलब अल्फाबेट्स, या फिर आपको नंबर्स के साथ भी दिया जा सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, आपको कुछ चीज़ों को बस देखना होगा कि मतलब ये जब जैसे जब भी ये टर्म सिंप्लीफाई दिया जाता है ना, सो इट विल बेसिकली कम डाउन टू ऑल योर एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो हमारे होते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस बी, वो जितने भी हमारे होते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यही सारे टर्म्स को घुमा फिरा के ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, तो ये जितने भी हमारे एल्जेब्रिक इक्वेशंस होते थे उन्हीं का एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फॉर रियल नंबर्स है। अब या तो वो लोग ए बी सी यूज करके देंगे या तो नंबर्स यूज करके देंगे। तो यहाँ पे लेट अस लुक इनटू दिस। अगर कोई भी डिवाइड है तो पहला चीज़ है कि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो आप। तो आपके लिए ये क्या है, आप अगर ठीक से देखोगे ये ए माइनस ये है, ये ए प्लस है, तो ए को पहले लिख डालते हैं हम लोग। सो दिस यू कैन से वेरी क्लियरली दैट दिस इक्वल्स टू ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, दिस विल गो अप, सो इनटू ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इनटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। तो आप बहुत अच्छे से देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, मतलब आपको अगर दूसरे टर्म से जैसे बताऊँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो अगर आप यहाँ पे इसको इक्वल टू करोगे व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, बताइए यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये रूट का स्क्वायर हो गया, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप देखिए दिस बिकम्स बी बाई ए होल स्क्वायर। सो व्हाट वी स्टार्टेड दिस ह्यूज थिंग इन द बिगिनिंग बॉइल डाउन टू बी बाई ए होल स्क्वायर।
सो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ टिपिकल यू नो रियल नंबर प्रॉब्लम्स दैट वी यू विल गेट. आई थिंक मोर ऑर लेस दिस इज गुड. नाउ आप इस पर काम करना आप लोग शुरू करो, यू वर्क ऑन दैट. मैं और इसमें हम लोग तीन और वीडियो बनाएंगे विच विल बी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इरेशनल नंबर्स. तो ये मोर ऑर लेस गॉट द रियल नंबर गेम. ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया. अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, कुछ एडिशनल जो नेक्स्ट ये में जाएंगे. हमारे सारे नंबर्स को जानना हो गया, जो भी हमारा क्लास टेंथ तक चाहिए होता है एरिथमेटिक में, हर तरीके का नंबर और उनके अलग अलग किस्म का एप्लीकेशन. सो दिस इज एरिथमेटिक्स. ओके, अब इसका कुछ अलग अलग चीज़ें हम लोगों को सीखना है. एक तो है कि इसको ग्राफिकली नंबर लाइन पे कैसे जियोमेट्रिकली डाला जाए. दैट इज़ वन थिंग वी विल गेट इन टू स्पेसिफिकली रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. इसको छोड़ के वट वी विल लर्न इज रैशनलाइजेशन. डिनोमिनेटर अगर इरेशनल हो तो उसको कैसे रैशनलाइज किया जाता है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है. और हम लोग एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट सीखेंगे यहाँ पे, वो है एक्सपोनेंट्स. ठीक है, द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स. सो इंडिसेस जो बोलते हैं, इंडिसेस ऊपर ए टू डी पावर एम एन, ये वाला जो पावर के ऊपर जो रहता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच इज लेफ्ट इन द नेक्स्ट थ्री वीडियोज एंड दैट विल कंक्लूड द एंटायर रियल नंबर्स फॉर यू, आई मीन एरिथमेटिक्स फॉर यू. सो चलिए इतना ही इस वीडियो में, अगला बाकी सब अगला वीडियो में. थैंक यू.